अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आई हूँ ज़ोवा सैलून अपनी ब्राइडल लुक के लिए। तो देखते हैं कि आफ्टर एंड बिफोर मेकअप बाद में हमारी ब्राइडल लुक कैसी आती है। इनका जो YouTube चैनल, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी बिफोर एंड आफ्टर की लुक कैसी लगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज हम आपके साथ एक मेकअप शेयर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये ब्राइडल मेकअप है और इनका जो फेस है हमारी जो ब्राइड का, वो बहुत ही छोटा सा क्यूट सा इनका फेस है, तो उसके हिसाब से हम इनका जो है मेकअप करेंगे। आज इनका मेकओवर होगा। रेड ड्रेस है, गोल्डन काम है इस पर, तो हमारी मेकअप आर्टिस्ट काम स्टार्ट कर चुकी हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा कि, और ज़रूर कमेंट में आके बताइएगा आपको मेकअप कैसा लगा। सबसे पहले जो है हम इनके आईब्रो सेट कर रहे हैं। जो ब्राउन शेड से हमने इनकी शेप बना ली है, अब हम इनके जो है कंसीलर लगा रहे हैं आँखों पे, आँखों की बेस बना रहे हैं, वो बनाएंगे तो उसके बाद हम इनके जो है आँखों पे इनके शेड का जो भी वर्क है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज इनकी आँखें माशाल्लाह वैसे तो बहुत अच्छी हैं, ब्रॉड हैं, खुली खुली आँख है, बहुत अच्छा मेकअप होने वाला है। तो आई बेस कंप्लीट होने के बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको सेट कर लेंगे एकदम बहुत अच्छे से, ताकि वो एक फ्लॉलेस सी बेस बन जाए जिस पे हम अपना फिर शेड का वर्क स्टार्ट कर सकें।
इनका जो ड्रेस है वो रेड है और गोल्डन है, तो फिर हमें जाहिर है आउटर पर हल्के से फिर डार्क में जो है इनका ब्राउन शेड और रेड शेड देना पड़ेगा। रेड तो खैर फिर भी बहुत कम होगा, डार्क ब्राउन शेड जो है हम इनके आउटर साइड पे देंगे और सेंटर में हम इनको गोल्डन से इस तरीके से मतलब इनकी आइज़ जो है वो हम क्रिएट करेंगे। ब्रश की मदद से आप देख सकती हैं कि इनके आउटर टेप लगाकर आउटर सेट की जा रही है इनकी। और अब जो है हमने इनके जो अभी अप्लाई किया है वो गोल्डन शिमर तो नहीं कहेंगे, डस्ट नहीं है, इसको हम ग्रीस वाला कहेंगे जो कि लिक्विड होता है, वो हम इनकी आंख पर अप्लाई कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आई बॉल पर हम इनको आधा से पूरी आधी आंख इनकी जो है हम वो गोल्डन से कवर कर देंगे। पर गोल्डन और उसमें हल्का सा रेड आ रहा है वो हम इनकी जो है लगा देंगे गोल्डन डस्ट, ताकि और हाईलाइट हो इनकी आंखें। और बाकी जो उनकी आईज़ के ऊपर हमने डार्क कलर दिया था उसको हम ब्रश की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे, ताकि वो कोई क्रीज वगैरह ना दिखे। और अब हम टेप उतार कर बाकी का जो भी इनकी जो हमने शेड लगाए हैं आंखों के वो सारे इधर उधर जो फैले हुए हैं हम उनको एक इक्वल लाइन देके और आंखों के नीचे भी बेस लगाएंगे और पूरे फेस पर भी हम इनका बेस अप्लाई कर देंगे इनके स्किन टोन के हिसाब से। अच्छा, इनका बेस माशाल्लाह से सेट हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम इनका जो है आंखों का बाकी काम स्टार्ट करते हैं, जो कि अपर का तो हो चुका है, नीचे लोअर का काम स्टार्ट हो रहा है। आंख की जो इनर साइड है वहाँ पे हम हाईलाइट देंगे, जो वाइट हाईलाइट देंगे और जो
आउटर साइड है वहाँ पर हम डार्क ब्राउन कलर से जो है एक लाइन क्रिएट कर देंगे आँख के नीचे, लोअर लैश के नीचे एक लाइन क्रिएट कर देंगे जो कि बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद जो है हम उनकी खुद की रियल लैशेस को जो है मस्कारा से कर्ल कर लेंगे ताकि जो दूसरी एक्सटेंशन लैशेस हम लगाएंगे वो और उनकी रियल लैश जो है वो आपस में मिक्स हो जाए और पता नहीं चले। तो हम लगा चुके हैं और अब हम इनकी जो कंटूरिंग स्टार्ट कर चुके हैं। इनकी नोज़ की इतनी ज़्यादा हाई जो है कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं थी, बस हल्की सी थी जो हमने की है क्योंकि इनका माशाल्लाह नाक लंबा था। जिनकी मोटी नाक होती है फैली हुई होती है खुली हुई तो फिर उसको जो है ज़्यादा मतलब कंटूर की नीड होती है, इनको कम नीड थी। और बाकी जहाँ जहाँ हल्की हल्की नीड है हमें कंटूर की वो हम पूरी कर रहे हैं। अच्छा, कंटूरिंग के बाद जो है हम पिंक शेड लेकर इनके ब्लॉशन सेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके चीक्स पर हमने इनको पिंक शेड से ब्लॉशन किया है क्योंकि इनका बेबी फेज है तो हम कोई और डार्क कलर नहीं दे सकते।
उसके बाद इनके हाईलाइट एरियाज को हमने हाईलाइट किया है और अब लिपस्टिक कर रहे हैं। पहले आउटलाइन से हमने इनकी लिप जो है आउटलाइन से बना लिए थे और अब हम फिलिंग कर रहे हैं। रेड सूट है इनका तो हमने आज इनके लिए रेड ही लिपस्टिक चॉइस की है, वो भी थोड़ी सी डार्क, क्योंकि आंखों का मेकअप इतना डार्क नहीं है, लाइट है, तो फिर हम लिपस्टिक इनकी डार्क रख रहे हैं ज़रा। और ये फाइनल लुक आपके सामने है। तो प्लीज़ गाइस, आपको अगर अच्छा लगे तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जब तक नई वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक, देख सकते हैं आप। आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई एम लुकिंग सो प्रीटी। आप भी कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा, इनकी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। ओके, टाटा बाय।